लोकसभा आम चुनाव के सातों चरण संपन्न हो चुके हैं। न्यूज चैनल के तमाम सर्वे यहां मोदी सरकार की वापसी की उम्मीद जता रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में बड़ा झटका बताया जा रहा है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, उत्तर प्रदेश के पशुधन, लघु सिंचाई और मत्स्य मंत्री और भाजपा के स्टार कैंपेनर SP सिंह बघेल मौजूद है, जो पूरे देश में हेलीकॉप्टर या सड़क मार्ग से गए हैं। आपको क्या लगता है, जो तमाम जो चुनाव हुए हैं, आप जनता के बीच भी रहे हैं और आप कई चुनाव लड़ भी चुके हैं, आगरा से खुद प्रत्याशी हैं, BJP को उत्तर प्रदेश में एक बड़ा झटका तमाम सर्वे बता रहे हैं? 23 तारीख को सारा कुछ आ जाएगा, लेकिन सर्वे में ऐसा नहीं है कि सर्वे में विश्वास नहीं है, लेकिन मैं अक्सर देखता हूँ कि जो 6-7 सर्वे होते हैं उसमें एक होता है बहुत, और वो किसी ने 325 कहा था अभी विधानसभा में, किसी ने 73 कहा था, किसी ने मायावती जी को 2007 में पूर्ण बहुमत कहा था, किसी ने 2012 में अखिलेश यादव जी को पूर्ण बहुमत कहा था, पूर्ण बहुमत से भी ऊपर, और 325 किसी ने नहीं कहा और 73 MP। तो पिछले 4 चुनाव, 2007 विधानसभा, 2012 विधानसभा और 2014 लोकसभा और 2019 लोकसभा में, ये सब सर्वे फेल हो गए। इस दौरान एक 2009 की लोकसभा का और जिक्र कर दूं, जितने विधायक नहीं थे कांग्रेस के उससे ज़्यादा MP आ गए थे 22 के आसपास, 22, 23, 24 सपा बसपा कांग्रेस का था। बसपा अपनी जगह ठीक आई थी पूर्ण बहुमत की सरकार, लेकिन MP शायद 22 थे। समाजवादी पार्टी 120 या 40 पे मिले थे, उसके भी 22-23 आ गए, लेकिन कांग्रेस के 14 MLA वाली 24 या 23 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने गए थे। तो जब हम लोग अभी आगरा और बगल की सीटों के बारे में ये खतरे में है, ये ऐसी है, ये ऐसी ऐसे बोलते हैं, तो 4 सर्वेयर नहीं पता। अगर आपको सर्वे करना है, उदाहरण के तौर से आगरा, तो आगरा उत्तर का मिजाज अलग है, आगरा दक्षिण का मिजाज अलग है, छावनी का कास्ट कॉम्बिनेशन अलग है, फिर एतमादपुर एकदम डिफरेंट है, जलेसर का तो मूड ही दूसरा रहता है। तो बहुत मेहनत करने के बाद फिर एलीट क्लास से बात करो, फिर अपर क्लास से बात करो, फिर मिडिल क्लास से बात करो, फिर लोअर मिडिल क्लास से बात करो, फिर अति पिछड़ों से बात करो, फिर महादलित से बात करो, तब जाकर के जो निकल के आता है वो सर्वे होता है, और इसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो मैं ऐसा नहीं कि मेरा विश्वास होता है इसमें, लेकिन उत्तर प्रदेश के रिजल्ट चौंकाने वाले आएंगे। मोदी जी का अंडर करेंट जो है ना, उसको खुद नहीं हम लोग अंदाज लगा पा रहे हैं। जब कहीं रिक्शे वाले से बात हुई, तांगे वाले से बात हुई, मैंने चाय रास्ते में पी, मैंने ड्राइवर से बात की, क्योंकि मैं 1-2 बजे तक घूमता हूँ, तो सब ने कहा मोदी जी को वोट दे रहे हैं, मोदी जी को वोट दे रहे हैं। एक आध जगह मैंने कहा आपका प्रत्याशी कौन है, तो लोकसभा के प्रत्याशी उनको नहीं पता है, वो कहते हैं मोदी जी को वोट है। ऐसे लोग जब सब जुड़ेंगे तो सीट को जिता देंगे। सभी सर्वे भाजपा को पूरे देश में जाहिर तौर पर बड़ी पार्टी बता रहे हैं, लेकिन बहुमत से दूर NDA को बहुमत के पास दिखा रहे हैं। आपको क्या लगता है, भाजपा अपने दम पर जैसे 282 थी 2014 में, इस बार क्या आंकलन? मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की अपनी स्वयं की सरकार बनाएगी। केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाएं, राज्य सरकार की योजनाएं, जो हर बार मैं कहता हूँ कि बूथ अध्यक्ष से राष्ट्रीय अध्यक्ष ने परिश्रम की पराकाष्ठा से जो पसीना बहा है उससे सीट निकल रही है। पिछली बार जो 2014 भी मैं लड़ा था लोकसभा, उसमें मोदी जी को एक अच्छे प्रधानमंत्री होने की प्रत्याशा में लोगों ने वोट डाला था, और एक राज्य का गुजरात मॉडल की परिकल्पना की थी कि अगर मोदी जी आएंगे तो UP गुजरात हो जाएगा, मध्य प्रदेश वालों का मध्य प्रदेश गुजरात हो जाएगा, लेकिन तब अच्छे प्रधानमंत्री की प्रत्याशा उम्मीद में, ठीक है ना। और अब अच्छे प्रधानमंत्री को 5 साल देख चुके हैं और सारी लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं, तो इस बार काम पर भी वोट में, काम पर वोट मिला है, नाम के साथ काम पर भी मिला है। गठबंधन चूंकि चुनाव लड़ा है, आगरा में 2 बार के सांसद को बदलकर आपको सीट दी गई, आप अपनी जीत के प्रति कितने आश्वस्त? कार्यकर्ताओं की मेहनत से और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी के कार्यों से और संगठन की वजह से मैं पूरी तरह आश्वस्त हूँ कि आगरा लोकसभा भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएगी और मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का जो यज्ञ हो रहा है उसमें एक आहुति आगरा से लगेगी। न्यूज चैनल के सर्वे कुछ भी दिखाएं, महागठबंधन का अपना गणित है, भारतीय जनता पार्टी का अपना गणित, दोनों ही दलों के नेता जीत के दावे कर रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि 23 मई को जो फाइनल रिजल्ट EVM से बाहर आएंगे, तब देश की जनता किसे अपना जनादेश देगी।